दोष शांत्यावहितात्म शांति ही शांतेर विधाता शरणम गतानाम भूयाद भवक्रेश भयोप शांति शांतिर जिनो में भगवान शरण्य बद्यात्मा पदनंदी पंचविंशति का ग्रंथ जिसमें 15वें अधिकार में आप श्रुत देवता की सरस्वती माता की स्तुति कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सार रूप में कतिपय पद्यों को लेकर मैं आपको उसका सार बता रही हूँ। यहाँ पर सरस्वती माता को, श्रुत देवी को एक पवित्र तीर्थ की उपमा दी है। त्वमेव तीर्थम शुचिबोधिवारिमत् समस्त लोकत्रय शुद्धि कारणम त्वमेव चानंद समुद्र वर्धने मृगांक मूर्ति ही परमार्थ दर्शिनाम। आचार्य देव श्री पद्मनंदी सरस्वती माता को कहते हैं कि हे माता, त्वमेव तीर्थम, आप ही एक पवित्र तीर्थ हैं। पवित्र तीर्थ शुचिबोध बारिमत, जिसमें पवित्र ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है, और समस्त लोकत्रय शुद्ध कारण, संपूर्ण तीनों लोकों के भव्यों को आप शुद्ध पवित्र करने वाली हैं। लोकत्रय तीनों लोकों को शुद्धि में, तीनों लोकों की शुद्धि में आप कारण हैं। संपूर्ण भव्यात्माओं के मन को, शरीर को, वचन को और उसके जीवन को पवित्र कर देती हैं आप। त्वमेव चानंद समुद्र वर्धने मृगांक मूर्ति ही परमार्थ दर्शना। और पुनः इसी पद में आचार्य देव सरस्वती को मृगांक मूर्ति ही चंद्रमा की मूर्ति के समान बताते हैं। पूर्ण चंद्रमा, शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान आप कैसी हैं कि आनंद समुद्र वर्धने, आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने में, उसको उद्वेलित करने में आप परमार्थ दर्श नाम, जो परमार्थदर्शी हैं, परमार्थ को देखने की इच्छा रखने वाले ऐसे लोग हैं, उनके लिए आप पूर्ण शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान हैं। चंद्रमा के पूर्ण चंद्रमा के उदित होते ही समुद्र वर्धित होता है, समुद्र में उद्वेल होता है। आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने में आप चंद्रमा के समान हैं। भव्यात्मा जहाँ तीर्थ की उपमा दी है, सचमुच में विचार करके देखा जाए तो जैन परंपरा में तीर्थ की व्याख्या क्या है कि जिसमें अवगाहन करके जीव अपने कर्म मन को धो डाले, उसे उत्तम तीर्थ माना है। शरीर के मन को धोना, ये कोई तीर्थ की विशेषता नहीं है। इसीलिए श्री कुंदकुंद देव ने भी आज पंचगुरु भक्ति में एक सुंदर काव्य दिया आचार्य के लिए, वार संगाई सुजल ही अवगाहिया, कि आप हे आचार्य परमेश्वर, आप बारांग द्वासांग रूपी श्रुत समुद्र में अवगाहन करके, उस तीर्थ में अवगाहन करके आप पवित्र हो जाते हैं, पवित्र हो चुके हैं। तो भव्यात्माओं, सबसे बड़ा तीर्थ यही है जैन वांग्मय का स्वाध्याय, जैन वांग्मय का अध्ययन, जिनवाणी का पठन, मनन, पाठन, अभ्यास। भव्यात्मा इसीलिए तो आचार्य देव बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्हें तीर्थ की उपमा देते हुए कहते हैं, सचमुच में हम और आप सभी धन्य हैं, अपने जीवन को पवित्र करने वाले हैं, जो जैन वांग्मय में इस पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ, ये भी जैन वांग्मय है, वांग्मय का सार है, निचोड़ है, उसमें अवगाहन करके अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं, इस तीर्थ में अवगाहन कर रहे हैं। आगे आचार्य देव इस सरस्वती को एक मेघ की उपमा देते हैं और क्या कहते हैं, अनेक जन्मार्जित पाप पर्वतो विवेक वज्रेण सयेन विद्यते भवत बपुः शास्त्र घना निरेति तत् सदर्थ वाक्यामृत भार में दुरात। हे सरस्वती माता, आप सदर्थ वाक्यामृत भार में दुरात, सदर्थ अच्छी सी सूक्तियाँ, समीचीन वाणी, पूरा पर विरोध रहित
अहिंसा परमो धर्म का जिसमें उपदेश है, ऐसी वचन जिसमें भरे हुए हैं, अमृत के समान जिसमें भरे हुए हैं, प्राणी मात्र का हित करने वाले वचन जिसमें भरे हुए हैं, अमृत वो वाक्य रूपी वचन रूपी अमृत के भार से सहित आप भवत बपु शास्त्र घनात्, आपका जो शरीर वही वह शास्त्र सरस्वती द्वादशांग वाणी शास्त्र श्रुत शास्त्र श्रुत देवी भवत बपु शास्त्र घनात्, आपका शरीर रूपी जो शास्त्र वही वह मेघ उससे निकल करके ये विवेक रूपी वज्र अनेक जन्म में अर्जित पाप रूपी पर्वत के सौ सौ टुकड़े कर देता है। जैसे मेघ आकाश में जब बादल छा जाते हैं, खूब बादल छा जाते हैं, तो उसमें जल भरा हुआ होता है और बिजली भी चमकती है, वज्र भी उसमें होता है, वज्र होता है, वज्र गिरता है, वज्रपात होता है, तो पर्वतों के सौ सौ टुकड़े कर देता है। उसी प्रकार से आप एक सरस्वती रूपी जनवाणी माता वही हुआ मेघ, उनसे निकला हुआ विवेक रूपी वज्र, विवेक वेद विज्ञान, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न चित्तेतन स्वरूप भगवान आत्मा, परमानंद स्वरूप आत्मा और सब जड़ अचेतन, इनका भेद जब हो जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है, वही विवेक, जब शरीर ही अपना नहीं तो पर और क्या हो सकता है, अणु मात्र भी मेरा नहीं है किंचित, आत्मा चित्तेतन स्वरूप आत्मा, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा है, इस प्रकार का विवेक रूपी जो वज्र उसके द्वारा अनेक जन्म में संचित पाप रूपी पर्वत चूर चूर हो जाते हैं। भव्यात्माओं, आचार्यों ने ऐसे सरस्वती माता के अनेक नाम का उल्लेख किया है, 108 नाम से स्तुति की है जो कि सरस्वती आराधना पुस्तक में छपी है। आप भी उन 108 मंत्रों से विधान करें, सरस्वती विधान, सरस्वती विधान करके सरस्वती को प्रसन्न करें और सरस्वती का स्तोत्र है चंद्रार्क कोट घटितो जलदेवी मूर्ते है, इसमें जो है सरस्वती के 16 नाम दिए हुए हैं, उनको पढ़ना चाहिए। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसकामिनी, पंचमं विदुषा माता, षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी। भव्यात्माओं, सरस्वती का पहला नाम है भारती, दूसरा नाम है सरस्वती, तीसरा नाम है शारदा देवी, चौथा नाम है हंसगामिनी, पांचवा नाम है विदुषा माता, विद्वानों की माता, और षष्ठम वागीश्वरी, वागीश्वरी वचनों की ईश्वरी, ऐसी छठा नाम वागीश्वरी, कुमारी सप्तमम प्रोक्ता, सातवां नाम है कुमारी, ये हमेशा जिनेन्द्र भगवान के मुख कमल से निर्गत जिन कन्या है, वांग में गंगे, ये वचन रूपी जो गंगा है वो जिनवर कन्या, इसलिए हमेशा कुमारी मानी गई है, कभी इसकी विवाह नहीं माना गया, कुमारी इसके पति नहीं माना गया, कुमारी सप्तमा प्रोक्ता, सातवां नाम है कुमारी, आठवां ब्रह्मचारिणी, नौवां नाम है जगन माता और दसवां नाम है ब्राह्मिणी, ब्रह्मस्वरूप आत्मा का ज्ञान कराने वाली ब्राह्मिणी, एकादशम तो ब्रह्माणी और ग्यारहवां नाम है ब्रह्माणी और द्वादशम वरदा हुए, बारहवां नाम है वरदा, हमेशा वरदान को देने वाली वरदा, वाणी त्रयोदशम नाम, भाषा चे चतुर्दशम, पंचदशम श्रुत देवी चे षोडशम गौर निगत थे, तेरहवा नाम है वाणी, चौदहवा नाम है भाषा और पंद्रहवा नाम है श्रुत देवी और सोलहवा नाम है गौर, गौ, गौ माने वाणी, गौ माने गाय, गौ माने पृथ्वी, गौ माने किरण, गौ शब्द के बहुत अर्थ है कोश में, तो यहाँ तो सोलवा नाम गौ है। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य संतुष्टि माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्होत मे सदा। बड़े सुंदर शब्द हैं कि इन सरस्वती के नाम को, सुत के नाम को जो प्रातः उठकर पढ़ते हैं उनके ऊपर सरस्वती माता प्रसन्न हो जाती हैं और शारदा वरदा हुए वो वरदान देने वाली हो जाती हैं। हे सरस्वती नमस्तुभ्यं, आपको नमस्कार है, हे वरदे वरदान देने वाली, काम रूपिणी संपूर्ण मनोरथ को सफल करने वाली,
आपको नमस्कार है। विद्यारम्भम करिष्यामि सिद्धिर भवतु सदा। मैं विद्यारम्भ करता हूँ, मेरी सिद्धि होवे। इस प्रकार से कहने का मतलब ये रहा कि सरस्वती की आराधना को करते हुए जो विद्या आरंभ करते हैं, इसीलिए गुरुओं के पास विद्या अध्ययन ये क्रिया कराई जाती है। हमारे पास कई अपने बच्चों को लाते हैं आजकल, तो पहले तो 7-8 वर्ष के बच्चों को लाते थे, आज 3 वर्ष के 2.5 वर्ष के बच्चों को ले आते हैं। माता जी से पढ़ना सिखा दो, ले जाना है मॉन्टेसरी स्कूल में डालना है। तो चांदी के थाल में पीले चावल फैला करके और उसमें ओम नमः सिद्धेभ्यः सोने की कलम से लिखाती हूँ मैं, गुरु लिखा देते हैं, और बालक को तिलक करके कुछ सरस्वती के मंत्र भी उन पर पढ़ देते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रूम ओम ह्रीम श्राम श्रीम श्रूम स्रह हम सम था 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 ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा आदि मंत्र पढ़ देते हैं, जिससे बालकों की बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। भव्यात्मा तो गुरुओं के पास ले जा करके पहले उन्हें ओम नमः सिद्धेभ्यः आदि मंत्र लिखाओ, उसके अनंतर आप पढ़ाओ ओ आ ई ए बी सी डी जो भी है। पहले तो अ आ ई ई जो अनादि वर्णमाला है, सिद्धो वर्ण समामनाया, इसका अध्ययन कराना शुरू करना चाहिए प्रारंभ से। तो भव्यात्माओं, अपनी भारतीय संस्कृति की ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी विद्या, भगवान ऋषभदेव के मुख से निर्गत, जिसे कि ब्राह्मी ने सर्वप्रथम धारण किया था, उस विद्या को पढ़ाओ। और घर घर में ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाते हुए ऋषभदेव गृहस्थाश्रम में, जो ऋषभदेव महाराजा ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव जब अपनी ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ा रहे थे, ऐसा यहाँ पर विद्वान है। ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाते हुए भगवान की मूर्ति है यहाँ, इसका फोटो आप अपने घर में लगाओ, आपके घर में मंगल होगा, बच्चे कुशाग्र बुद्धि वाले होंगे। घर घर में ऐसे फोटो लगाना चाहिए। तो भद्रात्माओं, सरस्वती की स्थिति विचार करके देखा जाए तो सरस्वती का जीर्णोद्धार विकास हमारा और आपका बहुत बड़ा दायित्व है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं। आचार्य श्री शांतसार जी महाराज, जो कि इस शताब्दी के प्रथम आचार्य हुए हैं, 20वीं सदी के प्रथम आचार्य, सन 1944 की घटना है। आचार्य श्री का चौमासा कुंथलगिरी में था, पंडित सुमेरचंद जी दिवाकर वहाँ पहुँचे और पंडित विद्वान लोग थे। उन्होंने बताया कि मूल विद्री में जो विद्वान ताड़पत्री ग्रंथ, महाबंध के ग्रंथ आदि, उनमें महाबंध ग्रंथ की ताड़पत्री प्रति के करीब 5000 सूत्रों का भाग कीटों ने खा लिया है, कीड़ों ने खा लिया है। आचार्य एकदम स्तब्ध रह गए सुनकर। आचार्य देव एकदम, आचार्य श्री उनको बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने अपने दुख को सामने रखा। संगपति श्रीमान सेठ दाढ़िंगटन जी, चंदूलाल जी बारामती वगैरह जो बड़े बड़े सेठ साहूकार वहाँ उपस्थित थे, आचार्य श्री के परम भक्त, उन्होंने उसी समय आचार्य श्री की प्रेरणा से जिनवाणी जीर्णोद्धारक नाम से एक संस्था बनाई, श्री 108 चारि चक्रवर्ती शांत सागर दिगंबर जैन जिनवाणी जीर्णोद्धार संस्था नाम से संस्था का निर्माण किया। और ग्रंथों के मूल जो ताड़पत्री ग्रंथ जो बचे थे, शेष थे, उनकी देवनागरी प्रति कराई और ताम्रपट पर उत्कीर्ण कराने का निर्णय लिया गया। ये षटखंडागम ग्रंथ ताम्रपट पर उत्कीर्ण कराए गए और छपाने का भी निर्णय लिया गया, प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया, हिंदी अनुवाद का निर्णय लिया गया आदि। तो आचार्य श्री शांतसार महाराज ने षटखंडागम ग्रंथ को हमें और आपके लिए सुलभ बना दिया। ताम्रपट पर उत्कीर्ण कराए, जो कि फलटन में और बम्बई में विराजमान हैं, जिनके दर्शन आप करें, और जिनका मुद्रण कराया, प्रकाशन कराया, ऐसे सब आज 16 पुस्तकों में तो षटखंडागम ग्रंथ हिंदी अनुवाद सहित छपा हुआ है, धौला टीका सहित। और मुझे मेरे पुण्य के योग से, गुरु की कृपा प्रसाद से मुझे सौभाग्य मिला उन 16 षटखंडागम ग्रंथों के सूत्रों पर, धौला टीका आदि के आधार को लेकर उनके सूत्रों पर मैंने सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है, जो कि अभी 1.5 वर्ष पूर्व मैंने उसे पूर्ण किया है। तो मैं समझती हूँ कि गुरु के कृपा प्रसाद से इन ग्रंथों का पठन पाठन स्वाध्याय मनन चिंतन और सभी जैन वाङ्मय का अध्ययन और उनका वितरण प्रकाशन हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए और केवल ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए कारण है। इसलिए ज्ञान की उपासना करते हुए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करके
आप अपने जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा और मंगल।